नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्लिक रिपोर्ट चाइना में। फिर से आज 3 जुलाई है और 3 जुलाई को चाइना में बाजार समान ही है आज भी। और आज अपन बात करेंगे कि चाइना में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या मार्केट में क्या चल रहा है। तो अभी जो वहाँ का जो समय है वो अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपने अप्रैल महीने में जैसे अपने सीजन चलता है और स्टॉक का काम चलता है। स्टॉक करते हैं लेने वाले व्यापारी बंधु भी करते हैं, कुछ किसान लोग भी करते हैं। और जैसे सूखा माल आता है अप्रैल में और फिर स्टॉक में लगाने की जो होड़ मचती है, उस टाइप की सिचुएशन वहाँ पे भी चल रही है। तो इस साल थोड़ा बाजार तेज है तो वहाँ पे भी ऐसे ही इंथुजियाज्म है लोगों में स्टॉक करने के प्रति। तो वहाँ पे भी जैसे अभी सूखा माल अब चालू हो गया है करीब जून जुलाई में, वहाँ सूखा माल हो जाता है आ जाता है वो मई और स्टार्टिंग में जून 15 जून तक थोड़ा गीला माल आता है तो उस टाइम पे स्टॉक नहीं करते हैं वो। तो अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे कोल्ड स्टोर चेन जो हैं वो माल स्टॉक करते हैं और पूरा साल भर तक तो उसको स्टॉक कर सकते हैं, कोल्ड चेन में डालते हैं वो। कोल्ड में उनके बहुत कैपेसिटी है चाइना वालों की, वो 1 साल तक माल को संभाल के रख सकते हैं। और अभी वो शुरुआत करते हैं 15 जून के बाद और जुलाई महीने तक 1-1.5 महीने तक उनके स्टॉक का काम ही चलता है। सूखा माल जैसा आता है तो स्टॉक करते हैं। तो एक ये सोचने वाली बात है कि इस साल वहाँ पे बाजार जैसे अपने यहाँ तेज है तो वहाँ पे भी तेज है। 4 युआन के आसपास का एवरेज भाव है, 3.5-4 युआन का, मतलब 5-6 हज़ार में एवरेज भाव है वहाँ का, 6-7 हज़ार। तो उस भाव में वो कितना स्टॉक करेंगे क्या करेंगे वो देखने वाली बात है कि इस भाव में कितना स्टॉक होता है और वो कितने समय तक उसको संभालते हैं, कब बेचते हैं और कितना मुनाफा कमाते हैं उस पर। अब इस भाव में वो स्टॉक करके कितना मुनाफा कमा पाएंगे और उनकी क्या सोच है कि वो कितना माल लेंगे, ये देखने वाली बात है। थोड़े दिनों में आंकड़े आएंगे कि कितना माल कोल्ड स्टोर में गया है। और एक बात और है, जो इन्वेंट्री होती है वहाँ पे पिछले माल की जो इन्वेंट्री है वो पिछले 10 सालों के औसत जो होता है कि इस समय में जून जुलाई में जो सीज़न पीक पे रहता है शुरुआत में, तो कितना स्टॉक पुराना रहता है और उसका जो डेटा है वो करीब करीब 50% 10 साल के औसत में जो स्टॉक रहता है इस समय पे उसका 50% लो पे चल रहा है।